नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय। आप देख रहे हो कार सर्विस। आज जो दिखाने जा रहा हूं हुंडई ग्रैंड i10 का, इसका स्मार्ट की है। इसका इग्निशन ऑन नहीं हो रहा है। देखिए प्रॉब्लम क्या हो रहा है। देखिए इसका लाइट कभी कभी आ रहा है, कोई क्लस्टर में कोई लाइट नहीं शो कर रहा है। म्यूजिक सिस्टम में कभी कभी आ रहा है, कभी कभी नहीं आ रहा है। देखिए ठीक है, पहले तो इसका GDS लगाऊंगी, तो डेटा एनालिस पे जाके आपको डेटा दिखाता हूँ क्या आप इसका स्विच का प्रॉब्लम है, या जंक्शन बॉक्स में प्रॉब्लम है, क्या PDM रिले बॉक्स में प्रॉब्लम है, या इसका स्मार्ट की मॉड्यूल में प्रॉब्लम है, वो दिखा रहा हूँ। देखते रहिए। इसका डेटा एनालाइज में आ गया, इसका स्मार्ट की में गया था, तो इसका पुश बटन सही है क्या मालूम पड़ेगा कैसे। देखिए मैं इसको प्रेस करूंगी तो ये स्टार्ट बटन जो है, स्टार्ट स्टॉप बटन इसका ऑन दिखाएगा, ऑन ऑफ हो जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे डेटा चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इससे मालूम पड़ जाता है इसका जो सिग्नल तो स्मार्ट की मॉड्यूल में जा रहा है। ठीक है, तो ये मेरा सही है। ठीक है, स्विच सही है। तो इसके बाद आता है इसका वो रिले बॉक्स, इससे आउटपुट इनपुट पावर आता है, इससे आउटपुट पावर जाता है स्मार्ट कंट्रोल मॉड्यूल में, जो कुछ सिस्टम है इलेक्ट्रिक सिस्टम, इससे ही पावर जाता है। तो इससे कैसे मालूम पड़ेगा जो ये मेरा PDM रिले बॉक्स ख़राब हो गया या स्मार्ट जंक्शन बॉक्स ख़राब है। ठीक है, तो इससे ये रिले में पावर दे रहा है नहीं है, तो ये भी दिखा रहा हूँ डेटा एनालिसिस पे। आ जाओ, देखिए इसका ये तीन रिले है, इसके अंदर तीन रिले है। देखा इसका, देखा इसको PDM रिले बॉक्स कहता है। एक क्लस्टर का बैक साइड में रहता है। ठीक है, तो इसके इसका जो इग्निशन का जो रिले है, इग्निशन 1 इग्निशन 2 SSRE। ठीक है, पहले तो SSRE ऑन होगा, उसके बाद इग्निशन 1 और इग्निशन 2 एक साथ ऑन होगा। ठीक है, तो ये प्रेस बटन को प्रेस कर रहा हूँ। देखिए ये ऑफ स्टार्ट स्टॉप बटन काम कर रहा है, ये दिखाई दे रहा है, ये जो रिले है ये नहीं काम कर रहा है, दिखाई दे रहा है। तो इसका वोल्टेज पॉपर रिले को सप्लाई कर रहा है क्या नहीं, वो भी दिखा रहा हूँ। देखते रहिए। देखिए इसका SSRE रिले है। ठीक है, और इग्निशन 1 इग्निशन 2, तो इसको 12 वोल्ट भेजेगा ये PDM रिले बॉक्स को। ये PDM रिले बॉक्स को 12 वोल्ट भेजेगा ये बटन प्रेस करने से। देखिए ये कोई पावर नहीं भेज रहा है। पहले तो इसका SSRE में रिले में पावर आना चाहिए, उसके बाद इग्निशन 1 और इग्निशन 2 में एक साथ पावर आना चाहिए। तो देखिए इसके, देखा इसे कोई पावर नहीं आ रहा है। तो एक सही गाड़ी में आपको दिखाऊंगी कैसे ये होता है, देखते रहिए। PDM रिले बॉक्स में पावर और ग्राउंड ये सही है क्या नहीं है, वो भी दिखा रहा हूँ। ठीक है, देखिए पहले इसको कपलर को ओपन कर लेता हूँ। तो इसका जो दो वायर देख रहे हो, इसमें एक पावर आएगा, एनी टाइम पावर रहेगा। ठीक है, और एक में इसका SSRE जो मूड है वो SSRE मूड में पावर जाएगा। ठीक है, ये रिले PDM का रिले ऑपरेट होगा उससे। तो इसका पावर सही है क्या नहीं है, देखते रहिए कैसे पता चलेगा। बॉडी ग्राउंड कर लेता हूँ, देखिए इसका पावर दिखा रहा है। तो इससे पता चल जाता है इसका पावर लाइन सही है। ठीक है,
और एक पार रहेगा ये वाला ये बीच वाला जो पिंक कलर का है, तो इससे पार एनी टाइम रहेगा। और इसका इग्निशन 1 और इग्निशन 2 ये दोनों में भेजेगा, ठीक है। तो देख लेता हूँ इसका पार सही है क्या, इसका भी पावर सही है, ठीक है। तो ये तो सही हो गया, ये तो आउटपुट है आपका, ये इनपुट है, ये दोनों आउटपुट है। और एक एक ब्लैक वाला एक ग्राउंड है रिले के ऑपरेट करने के लिए, एक ग्राउंड है। और एक ये वाला एसएसआरई को मूड ऑन करने के लिए ये स्मार्ट जंक्शन बॉक्स से आया है सीधा, ये इससे पावर 12 वोल्ट आ जाएगा। ये स्मार्ट की मॉड्यूल का जो पेश करूँगा इससे पावर भेजेगा स्मार्ट कंट्रोल मॉड्यूल एसएम के, ठीक है। तो ये ग्राउंड पहले चेक कर लेता हूँ, ये बॉडी ग्राउंड है एक बीच वाला ये वाला, तो ग्राउंड को चेक करता हूँ पावर दे के, देखिए ये ग्राउंड भी सही है। तो और तीन तार है, ठीक है। तो ये बटन प्रेस करने से ये एसएसआरई मूड में पावर आना चाहिए, देखिए दिखा, कोई पावर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो एसएसआरई में तो पावर नहीं आ, एसएसआरई रिले को ऑपरेट करने के लिए जो पावर आना चाहिए वो तो पावर नहीं आ रहा है। तो इग्निशन 1 और इग्निशन 2 के लिए जो पावर चाहिए रिले को ऑपरेट करने के लिए वो भी दिखाऊंगी, वो भी आ रहा है क्या नहीं, देखिए होगा। ये वाला तो बॉडी ग्राउंड है, ये वाला रिले के ऑपरेट कर इग्निशन 1 के लिए, देखिए कोई रीडिंग नहीं आ रहा है। ये पुश बटन प्रेस कर रहा हूँ, कोई पावर नहीं भेज रहा है एसएम के। और एक है और इग्निशन 2 के लिए देख रहा हूँ, वो पावर भेज रहा है क्या नहीं है, देखिए देखिए वो भी कोई नहीं पावर भेज रहा है, ठीक है। इसलिए ये जो क्लस्टर में पावर आना चाहिए ये पावर नहीं आ रहा है। तो इससे बाईपास भी टेस्ट होता है इग्निशन को ऑन करने के लिए, सामने ले आओ। ये जो मिडिल वाला तार है तो इससे येलो वाला और ब्लू वाला ये दोनों मायर को एक साथ जुड़ देना है ए पिन से, तो इसमें क्लस्टर में लाइन आ जाएगा, ठीक है। और ये तो एसेसरी के लिए है, ये छोड़ देना ही, ठीक है। फिर भी ये क्लस्टर में लाइट शो कर रहे हैं, वो भी दिखा दे रहा हूँ कैसे चेक करना है। देखिए इसका इग्निशन ऑन हो गया, इसका क्लस्टर में जो पावर चाहिए ये इग्निशन 1 के द्वारा आ जा रहा है, ठीक है। देखिए क्लस्टर में लाइट चला गया, तो बाईपास लाइन से पता चल जाता है जो इसका जो इनपुट और आउटपुट लाइन है वो सही है, ठीक है। आप क्लस्टर में जो स्कैनर है स्कैनर से मदद से भी कर सकते हो और मैनुअली भी कर सकते हो, ठीक है। फ्रेंड्स मेरा स्मार्ट की मॉड्यूल आ गया, इसका प्राइस भी देख सकते हो, ये स्मार्ट की मॉड्यूल, ये फिटिंग हो गया इसका। स्मार्ट की मॉड्यूल में जो प्रॉब्लम था वो तो आपको दिखाई देगा, कैसे प्रॉब्लम था और डायग्नोसिस कैसे करना है वो भी दिखाई देगा। और इसको फिटिंग करने के बाद एक कोडिंग करना होता है, ठीक है, वो कोडिंग भी हो गया। देखिए इसका इग्निशन ऑन हो गया, देखिए देखिए इसका एसएसबी स्विच सही से काम कर रहा है, एक में स्टार्ट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।